हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडे सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल गाइस बिकॉज इट इज़ अबाउट योर स्लेबस बट बिफोर स्टार्टिंग आर टुडेज़ वीडियो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और पास में ही छपे एक घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन नई वीडियोस की सबसे पहले मिल जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे इतने लंबे समय तक स्कूल्स क्लोज हो गए हैं और अब 31 जुलाई तक फिर से स्कूल क्लोज हो गए हैं एंड आफ्टर दैट स्कूल विल रीओपन और नॉट ये भी अभी डिसाइडेड नहीं है तो एवरीबडी वॉज वेरी टेंस्ट एंड एज़ यू नो स्टूडेंट्स सोशल साइंस के अंदर फोर बुक्स होती हैं और इतना लेंदी सिलेबस होता है दैन हाउ यू कवर इट बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी थी और ये सब हुआ किसकी वजह से कोविड नाइन्टीन और कोरोना क्योंकि अभी तक इससे पहले कभी भी इतने लंबे डिस्टेंस तक स्कूल क्लोज नहीं रहे हैं और अभी भी ये ओपन होंगे डिसाइडेड नहीं है इसकी वजह से कोविड नाइन्टीन की वजह से आपका जो सेशन है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन लेट शुरू होने वाला है जिसके लिए सेलेबस की बहुत ज़्यादा चिंता थी कि ये सिलेबस कैसे कवर होगा टीचर्स केवल ऑनलाइन क्लासेस लेकर इसको कैसे कवर कर पाएंगे या जो डिपार्टमेंट है वो केवल वर्कशीट्स uh, के जरिए इस लेंथी सिलेबस को कैसे कवर पर, कर पाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए नाउ गाइस सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट कम कर दिया गया है और थर्टी पर परसेंट कम करने का मतलब है इट्स अ टाइम टू डिस्क एक्चुअली ये बहुत खुश होने की बात है क्योंकि तो इससे पहले लास्ट टू टू थ्री ईयर्स से सी बी एस ई चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर रहा था बट इस बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस स्कूल्स का क्लोज होना सिलेबस का लेंदी होना इन सब की वजह से सी बी एस ई ने पूरे के पूरे चैप्टर ही डिलीट कर दिए हैं सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री की क्लास नाइन्थ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स अभी आप अपनी चारों बुक्स लेकर के बैठ जाइए और उन के सामने जो इंडेक्स वाला पेज है वो निकाल लीजिए वन बाय वन हम मार्क करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है तो एक पेंसिल और इंडेक्स सारी बुक्स का खोल कर आप बैठ जाइए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं अपने सिलेबस का क्योंकि सिंपल सी बात है यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप प्रिप्रेशंस कैसे करेंगी अभी तक यही डाउट था कि क्या करें क्या ना करें क्या पता वो वाला चैप्टर कर लें और पता चले वो सी ने हटा दिया है तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस से रिलेटेड सारी क्वाज आपकी सॉल्व करने वाली हूँ तो आपके पास बुक्स और पेंसिल होनी चाहिए ये जो इंडेक्स है ये पहले वाली बुक्स का है हो सकता है स्टूडेंट्स के पास किसी ने कोई पुरानी बुक बाई की हो तो इसके अंदर ये जो थ्री चैप्टर्स हैं ये पहले से ही जो अब की नई वाली बुक्स आई हैं कट कर दिए गए हैं ये आपके सिलेबस में पहले से ही नहीं है जो नई बुक्स आई हैं उसमें केवल आपके ये पाँच चैप्टर हैं और इनमें से भी सी बी एस ई ने दो चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है उसे डिलीट कर दिया है तो गाइज आपको केवल फ्रेंच रिवोल्यूशन सोशलिज्म इन यूरोप नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर ये तीन चैप्टर करने हैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है डिलीट कर दिया है तो हिस्ट्री को आपको केवल थ्री ही चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी से आपको जो पढ़ने हैं इंडिया साइज़ एंड लोकेशन ये चैप्टर आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में आएगा फ़िजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये वाला चैप्टर भी आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में आएगा क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये चार चैप्टर आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सिक्स चैप्टर को बिल्कुल ही कट कर दिया गया है ये डिलीट हो गया है और ये केवल इसी सेशन के लिए है 2020 और 21 सेशन के जो स्टूडेंट्स प्रिपरे, प्रिपरेशन कर रहे हैं ये केवल उनके लिए वीडियो है तो सिक्स चैप्टर आपका रिमूव कर दिया है अब बचता है हमारा थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स थर्ड चैप्टर रिमूव कर दिया है आपके सेलेबस से आपको पढ़ना नहीं है बट इसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में मैप वर्क आएगा आपको मैप करना है केवल सो फर्स्ट सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट आएंगे सिक्स्थ कंप्लीटली डिलीट हो गया है और थर्ड चैप्टर से केवल मैप वर्क आएगा आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ओके okay, इसके बाद बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक से व्हाट इज़ डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये आपको करने हैं फिफ्थ चैप्टर आपकी बुक से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है आपको नहीं पढ़ना है अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स में से आपको थ्री चैप्टर्स करने हैं तो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पीपल एज रिसोर्सेस पॉवर्टी एज ए चैलेंज आपको करना है और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आपको नहीं करना है ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से सो so, ये था नाइन्थ क्लास के लिए मैं आपको फिर से बता दूं हिस्ट्री में थ्री चैप्टर्स आएंगे जोग्रफ़ी में फोर चैप्टर्स हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से भी फोर चैप्टर हैं और हिस्ट्री से थ्री चैप्टर्स हैं तो इस तरह से आपके कोई टोटल फोर्टीन चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे अब बात कर लेते हैं हम टेंथ क्लास के लिए तो टेंथ क्लास के सिलेबस में ये आपकी बुक हैं जिसमें से यदि हम अपनी बुक देखते हैं तो ये पुराना कंटेंट है पुराना इंडेक्स है बुक का जिसमें से ये दो चैप्टर और सिक्स चैप्टर ऑलरेडी रिमूव्ड हैं आपको नया जो नई जो बुक पब्लिश होकर आई है उसके अंदर केवल पाँच ही चैप्टर हैं और जो फर्स्ट यूनिट है सेक्शन वन है इवेंट्स एंड प्रोसेस वाला इनमें से थ्री चैप्टर्स होते हैं जिसमें से हम कोई दो कराते हैं तो ये एज़ इट इज़ है आपको कोई दो करना है और उन दो में भी सी ने ऑलरेडी मेंशन करके दिया है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया ये दो चैप्टर आपको करने हैं नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना आपको नहीं करना है स्ट और थर्ड चैप्टर आपको करना है सेकेंड नहीं करना है उसके बाद बचते हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्राइजेशन तीन ऑलरेडी कट हैं इन दो चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है अपने प्रियोडिक टेस्ट के लिए यानि कि पी टी टेस्ट जो आपके स्कूल में होते हैं आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है इन दोनों चैप्टर्स में से आपका फाइनल एग्ज़ामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सो so, अभी आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए केवल दो ही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं अपने हिस्ट्री से नाउ सेकंड है इकोनॉमिक्स अब इकोनॉमिक्स में से आपको डेवलपमेंट करनी है सेक्टर्स ऑफ़ द इंडियन इकोनॉमी करना है मनी एंड क्रेडिट करना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी करना है और कंज्यूमर राइट right आपको नहीं करना है तो इकोनॉमिक्स का आपका एक चैप्टर कट गया है जो कंप्लीटली डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से फॉर द सेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन आपको इकोनॉमिक्स से केवल फोर ही चैप्टर करने हैं नाउ द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में से आपको पावर शेयरिंग करनी है फेडरलिज़म करना है उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज सिक्सथ चैप्टर करना है और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करना है तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जेंडर रिलीजन एंड कास्ट पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी तो फोर्थ चैप्टर्स आपके कम्प्लीटली डिलीट हो गए हैं और फोर्थ चैप्टर ही आपको करने हैं तो टू फ्रॉम हिस्ट्री टू फोर फ्रॉम इकोनॉमिक्स बुक एंड फोर फ्रॉम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाउ कम टू द इकोनॉमिक सॉरी जोग्राफी जोग्राफी में से स्टूडेंट्स आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर वन करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आपको करना है एग्रीकल्चर आपको करना है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको करना है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आपको करना है तो फाइव चैप्टर आपके जोग्रफ़ी से हो गए हैं अब बचता है हमारा थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज एंड फिफ्थ चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ये सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं फाइनल एग्जामिनेशन में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बट दोनों का मैप वर्क आपको करना है तो फाइनल एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से केवल मैप वर्क आएगा थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम योर सोशल साइंस बुक और सिलेबस की आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे चैनल पर मैं टाइम टू टाइम स्मॉल वीडियोस में पूरे लेसन को कवर कर रही हूँ और इसके बाद इसके साथ साथ जब आपके टेस्ट या आपका एग्ज़ाम आएगा उस समय पर मैं कंप्लीट चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो भी डालूँगी जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप फटाफट उस चैप्टर को रिवाइज़ कर पाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें हैव अ नाइस डे